गुड मॉर्निंग दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक मस्त ट्यूर के लिए। छोटा सा व्लॉग है और देखिए वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इधर रेलवे ट्रैक जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर मेगा हाईवे, ये अलवर से सिकंदरा जो मिलता है जयपुर आगरा हाईवे पर, हाईवे नंबर 11 उस पर मिलता है 11 पर। बड़ा मस्त कॉम्बिनेशन है, ट्रेन आ जाए तो मज़ा आ जाए, और भी और पहाड़ लाइन के उधर पहाड़ देख के, और इधर देखिए ये मेगा हाईवे, बहुत मस्त रोड है ये भी। और इधर दिन अस्त होता हुआ, कुछ समय बाद दिन अस्त हो जाएगा, ये देखिए गजब सीन है। पसंद आया होगा दोस्तों, कमेंट करके बताना आप ज़रूर। ये देखिए अब कॉम्बिनेशन बैठ गए हैं, इधर रेलवे ट्रैक पर रेलवे ट्रेन जा रही है और ये हाईवे है, गजब। गाड़ी है, चलो कोई भी गाड़ी हो, लेकिन है मस्त व्यू, गजब। और ये देखिए इधर सनसेट होता हुआ, और ये मेगा हाईवे के टच में ही ये जा रहा है, दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक, बहुत मस्त है, प्यारा है। अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। ये बांदीकुई बाईपास कराया है जो सिकंदरा से आता है, और बहुत सुंदर और प्यारा बना हुआ है, यहाँ की सुंदरता देखिए। और यहाँ हाई मास्क लाइट लगी हुई है ऊपर, ये देखिए, ये इधर बांदीकुई के लिए जाता है अंदर शहर के लिए, और ये जाता है अलवर, और इधर से आता है सिकंदरा से। बहुत प्यारा लुक है यहाँ का, देखिए सुंदरता गजब। और ये बांदीकुई के लिए एरो लग रहा, बांदीकुई। देखिए ऊंचे ऊंचे टीले हैं यहाँ, इंतजार देख रहा हूँ यहाँ कोई आने वाला है उसके, जिसके लिए मैं आया हूँ मिलने के लिए, वो आएंगे अभी, उसका वेट में हूँ मैं। और ये हमारी रामप्यारी खड़ी, और सूर्यास्त हो गया, अंधेरा होने वाला है। जिनका मैं यहाँ इंतजार कर रहा था वो आए नहीं है, वो आगे गुलर स्टैंड है, वहाँ मिलेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, जब तक रास्ता देख के चले, रात का मौसम हो चुका है। हाँ तो दोस्तों ये जाता है सीधा रोड जाता है, बांदीकुई से आ रहा है ये, और ये है गुलर स्टैंड, गुलर चौराया पड़ता है सिकंदरा से पहले, और ये राजेश पायलट की स्टेचू लगी हुई है मूर्ति, कांग्रेस के नेता थे, उनके एक्सीडेंट में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जयपुर जा रहे थे वो रैली में उस समय, तो उसके नाम पर ये चौराया बनाया गया है। और इधर जो ये रोड जा रहा है, ये इधर जा रहा है सिकंदरा, ये सिकंदरा जा रहा है, और इधर जो जा रहा है ना, ये जा रहा है आबेनेरी की बावड़ी, आबेनेरी का नाम सुना होगा, प्रसिद्ध नाम है, यहाँ से जा रहा है ये, उंदरपाड़ा बड़ियाल बड़ियाल कला ये लिखा हुआ है, इस साइड से ये रोड जा रहा है, इस चौराहे से, गुलर चौराहे से जाता है ये। अभी नाइट हो गया है, नाइट में आपको कैसा दिखाई दे रहा है मुझे पता नहीं है, आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि आवाज़ ट्रैफिक की ज़्यादा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं,
और जिनसे मिलना है वो बांधवगढ़ चौराहे बाईपास नहीं यहाँ के लिए बोला है, तो मैं यहाँ आ गया। अब देखता हूँ कब तक आते हैं, इंतज़ार कर रहा हूँ। जिनसे मिलना था वो आ गए, उनसे मिल चुके हैं, अब यहाँ से रवाना होते हैं बांदीकुई के लिए। तो चलते हैं रात का अंधेरे का मज़े लेते हुए। दोस्तों, बांदीकुई का नाइट मार्केट है और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जगह जगह आपको ये शराब की दुकान मिल जाएंगी जगह जगह। ये रेलवे स्टेशन के सामने का क्षेत्र है, मार्केट है, एक एरी वाइन की शॉप, कुछ भोजनालय हैं काफ़ी यहाँ, और एक एरी इधर, ये देखिए अंग्रेजी देसी शराब की दुकान। इस तरह का मार्केट है और यहाँ पर बांदीकुई में 50% कर्मचारी हैं जो रेलवे के हैं, बाकी अदर विभाग है। क्योंकि यहाँ रेलवे की पहले बहुत बड़ा वो था, कैरिज, रेलवे का यार्ड था बहुत बड़ा, इस वजह से। ये लेफ्ट साइड में रेलवे स्टेशन है और सीधा जाता है राजगढ़ के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ इस तरह से दुकानें बनी हुई रेलवे स्टेशन के सामने, और ये बांदीकुई रेलवे स्टेशन का मेन गेट है, इधर से एंट्री करते हैं। ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, लिखा हुआ बांदीकुई जंक्शन, नया बना है ये, कुछ इस तरह से है। अब आगे चलते हैं और कुछ दिखाते हैं। और यहाँ ये पुलिस थाना है बांदीकुई का, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पुलिस थाने का। और अब अंदर चलते हैं मार्केट में, नाइट का मार्केट कुछ इस तरह से नज़र आता है यहाँ। फिर जल्दी बंद हो जाता है, इतना बड़ा मार्केट नहीं है। यहाँ एक पिक्चर हॉल भी था, कैलाश चलचित्र, यही पास में ही था, अब तो बंद हो गया। और ये आगरा फाटक है, अब हमें इधर जाना है इस रूट पे, आगरा फाटक पे, तो बाद में आएंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा। और मिलने के लिए आना था यहाँ, तो आ गए, उनसे मिल गए, बातचीत हो गई। अब फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर, हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।